अस्सलाम वालेकुम। आज कल करते हैं शुभम, तब तो लोग ठीक होंगे। अगर हमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ले जाए हम दिन, आज हम कॉलेज पहुँच गए। आज मैं मोबाइल भी ले आया हूँ साथ, कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं था। वो आया, उनको पता ही है कॉलेज में लग के मोबाइल लेकर। तो मैंने सोचा शायद चेकिंग वाले ने कुछ ज़्यादा सख्ती ना करी, इस वजह से मैं छोड़ आया मोबाइल के कॉलेज। लेकिन उन्होंने कोई नहीं की था, मैं ले आया हूँ आज। तो अभी तक धूप निकला दिया है पहले, आज अभी तक धूप निकली हुई नहीं हुई, धुंधी धुंध है, धुंध इतनी ज़्यादा ठंड है, देख सकते हैं। हाँ, सूरज बिल्कुल ही नहीं निकला हुआ, ठंड लग रही है और इतना कोई हिसाब नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है आज। पहले कल की नस्बत जब धूप निकला था फिर नहीं देर ज़्यादा ठंड लगती, लेकिन अगर धूप में ना निकले तो फिर जो है ना ज़्यादा ठंड लगती है। पहले इधर हमारा इधर इतना ज़्यादा कचरा होता था, जो ये जो ये सारा देखें कचरा वादा नहीं किया उन्होंने, फेंक दिया जो पसंद के स्पेयर हो जाता है ना कचरा, चीज़ें चीज़ें बनाते हैं हम तो, वो फिर चीज़ें स्पेयर हो जाती हैं, फिर उनको यहाँ दिया जाता है। और उन्होंने आज सफाई की है, कितने दिनों के बाद। पहले मेरे इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था इधर, जितना कोई साफ नहीं है, अभी अलहमदिल्ला मैंने सफाई कर दिया। तो आज हम कल पहुँच चुके हुए हैं, आज हमारा दूसरे डिपार्टमेंट में लेक्चर है, वो तो बंद था अभी, मैं वहाँ गया हूँ, बंद था, वो लेट ही शायद खुलेगा, हमारे वाला खुला था। मैं अपने डिपार्टमेंट में आ गूँ, यहाँ भी अभी क्लासेस नहीं खुली हुई, सिर्फ बड़ा गेट मेन गेट ही खुला हुआ था। तो हम आ चुके हैं, जैसे ही वो दूसरा डिपार्टमेंट खुलता है फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे उधर। और आज हमारा उधर फिज़िक्स का लेक्चर है, हम वहाँ जाके फिज़िक्स का लेक्चर लेंगे। आप देख सकते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा करें कितनी कितनी बड़ी मशीनें चलती हैं, कि यहाँ जो मेन तार नहीं होती, जो लोहे की तार बनी होती है मेन, वो ही कॉलेज के अंदर से उन्होंने लाई हुई है, कि इतना ज़्यादा लोड है। ये देखे सामने ये मेन तारे हैं, कितना ज़्यादा हैवी लोड पड़ता है, इतनी बड़ी मशीनें चलती हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये इतनी, ये जो हम तारे लगाते हैं छोटी छोटी, इससे तो जो चलती नहीं होंगी मशीनें, ये तो तारे वैसे ही जल के राख हो जाती होंगी। लेकिन मैंने अब देखा कि ये लगाई हुई है उन्होंने बड़ी बड़ी तारें, के बड़ी मशीनें चलाने के लिए। पूरे डिपार्टमेंट में कहीं कहीं, पूरे कॉलेज में कहीं भी इतनी बड़ी मशीनें चलती, जितनी बड़ी मशीनें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में चलती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मशीनें हैं। इंशाल्लाह आपको किसी दिन दिखाएंगे लाजमी। अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही बैठते हैं, जैसे इंशाल्लाह हमारा दूसरा डिपार्टमेंट खुलता है फिर चलते हैं उधर। अलहमदिल्ला कॉलेज में छुट्टी हो गया, अभी हम चलते हैं घर। और आज सुबह से बहुत धूप नहीं निकली, मौसम बारिश हो रही बना हुआ है, और अभी हम नहाते जा रहे हैं जल्दी से, कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ते हैं। क्या क्या ये? अच्छा, रिदा आज अपने घर जा रही है। हाँ। बस हाँ। जाकर रिदा ने ट्यूशन जाना है। हाँ। उधर रिदा ने क्या पढ़ना है? हैं? क्या पढ़ना है? एलो मैनो पी हैं? ये पढ़ना उधर जाके। हाँ। बस अब कब आना रिदा ने? हैं? है चुबा, तो चुबा जाना है आपने, आना है। ठीक है, चलो फिर ठीक है जी, सही है। और ले जी आज हम, आज उन्होंने दोनों से शुरू में चले जाना अलहमदिल्ला घर। तभी हमने पास, तभी हम नहाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो फिर खाना खा के फिर इनको हम छोड़ने जाएंगे। मैं नहीं जाना छोड़ने के लिए, मौसम तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन नहाते हैं फिर जाते हैं इंशाल्लाह छोड़ने के लिए। नमाज वाले पहले चलो फिर जाना जी, भाई खाना देने के लिए जाके भाई खाना दे के आते हैं, और सिस्टर को छोड़ने के लिए जाना, उनके लिए गाड़ी क्यों नहीं है, और आप फिर गाड़ी करवा के ले जाते हैं। अलहमदिल्ला मैं बाइक खाना ले आया हूँ, और मामा पीछे बस फ्लाई कराने के लिए जी जी बोलो वो भी ले आया हूँ, और गाड़ी वाले मैंने बहुत ज़्यादा आ गया इन शाला चलते हैं सिस्टर को छोड़ने के लिए। और मेरे सिस्टर के बैग ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा चलो दो मैं पहले छोड़ा था, दो के बाद में छोड़ के आते हैं, ज़्यादा पहले दो बैग छोड़ा था, किसी से मिल हो रहा है मुझे भी साथ ले गया, लेकिन मैं अगर एक दफ़े इकट्ठे था आपको लेके जाता हूँ, तो अभी तक रोड है वो कोई बात नहीं, जल्दी छोटे आते तो चलते हैं लेके जाते हैं। छोड़ के मैं जा चुका हूँ, तो अभी हम जाते थे रिजाज कर लेते हैं, अभी इस तरीके से माल ज़्यादा बोला कि मैं आपको रिजाज कर लेते हैं। लोगों को छोड़ने के लिए गया था ना, तब उस तरफ धूप थी, जहाँ जहाँ मोबाइल में मॉल वहाँ धूप थी, लेकिन इस हमारे गाँव में जो है धूम था, पता नहीं क्या बात है, आधे रास्ते में वैसे भी धूप थी, आधे रास्ते में धूम थी, यहाँ अभी तक मौसम ऐसे ही इतना धूप नहीं निकली हुई, ठंड इतनी ज़्यादा लग गई, जितना भी साफ नहीं है। मैं अगर जाई के अंदर लेट गया हुआ था, मेरा निकलने को दिल नहीं था चल रहा है, लेकिन मैंने बोला नमाज का टाइम हो चुका है, 10 मिनट हो गए, जानी हो गई हैं,
देख सकते हैं आप तो अभी नमाज का टाइम हो गया है, जल्दी से हम नमाज पढ़नी है, वजू करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज सबसे पहले है, बाकी काम बाद में है, तो अभी फिलहाल हम जल्दी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज मैंने पढ़ लिया जी, और ये बाजू गीला हो गया था और इसको मैंने धोया है तो ये सूख नहीं था, मैंने डाल सीधा तो उसका रहा था और उस बेड के ऊपर मैंने इसलिए किया, मैंने थोड़ी देर गर्म हो गई उसके ऊपर ही रख था। अल्लाह क्या शुक्र है कि कपड़े बच गए थे, नहीं तो कपड़ा जल जाना था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सूट बच गया, वैसे कोई बात नहीं सड़ भी जाता तो क्या हो जाता, लेकिन बच गया ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नया सूट अभी इस इसी सर्दियों में सिलाई करवाया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छोड़ा है घर तो वैसे घर सुनसान तो काम ही करते वैसा रहता हो गया है, लेकिन बच्चे तंग भी करते हैं, लेकिन उनके साथ रोने बहुत ज़्यादा रोनी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह चले गए। बस उन्होंने जाने जाना था अपने घर ही था, लोग क्या पता रहते, लेकिन उन्होंने ट्यूशन जाना था, ट्यूशन जाना शुरू हो गया, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ वैसे उसने 10 मिनट बाद उसमें शुरू किया, उसको पहले स्पार पाने के लिए छोड़ गया, फिर उसको ट्यूशन के लिए उन्होंने छोड़ने के लिए जाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी कोई बात नहीं, उन्होंने पढ़ना भी तो है ही नहीं, जैसे हम पढ़ते वैसे नहीं पढ़ना है। तो बस जी आजकल ये था आज का हमारा ब्लॉग, छोटा सा था लेकिन ठीक था, बस छोटा था कोई काम नहीं था, यही था बस काम हुआ छोटा सा ब्लॉग था। बस जी आजकल आगे जिस होते हैं इधर ही खत्म करते हैं, आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने माँ बाप से क्यों कुछ क्वेश्चन है मुझे अगले ब्लॉग का जरा दीजिएगा।